हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास है जॉब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम पीएचडी लेसर इन्फॉर्मेशन के बारे में, और जानेंगे कि आप जो है पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं डिफरेंट सीएसआईआर, डीबीटी और आईसीएमआर इंस्टीट्यूट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए अब नोट देखते हैं वो नोटिफिकेशन। तो जैसे ही आप acsi.rs.in पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे acsi का जो ऑफिशियल वेबसाइट का है उसका इंटरफेस आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक नया नोटिफिकेशन, लाइक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा आपके acsi की वेबसाइट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मैंसन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा जो डिफरेंट सेशन होते हैं, या तो यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट जो सेशन है और जिसने डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस वो क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दो फेज़ दे रखे हैं, एक आपका साइनअप फेज़ रहेगा और दूसरा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फेज़ रहेगा, जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेशन अगस्त 2022 के लिए जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो पीएचडी साइंस का जो नोटिफिकेशन वो रिलीज़ कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देखें जनवरी सेशन 2023 का नोटिफिकेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये सब जो है आपके सीएसआईआर लैब्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके साइंसेस के लिए भी नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके अलावा अगर आप जो है एमई लाइक आप इंजीनियरिंग में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सेशन अगस्त 2023 के लिए। तो यहाँ पे दो सेशन है, एक सेशन जनवरी 2023 है और एक आपका जो सेशन है वो है अगस्त 2023। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी साइंसेस का जो स्टार्ट डेट है वो 18 अगस्त ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अर्ली एडमिशन के लिए वो 28 फरवरी 2023 है। ऐसे ही पीएचडी इंजीनियरिंग के लिए जो स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एडमिशन का स्टार्ट डेट है 18 अगस्त, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 28 फरवरी 2023 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए आपका एमटेक एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट और लाइक लास्ट डेट दे रखी है। ऐसे ही अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी जो है आपका स्टार्ट डेट 18 अगस्त 2022 है और जो लास्ट डेट है 28 फरवरी 2023 है। जो आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे आपको सबसे पहले एडमिशन अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको साइनअप फेज है पहला ऑप्शन, दूसरा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फेज है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन कर रखा है। अगर आप इनमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइंसेस के लिए और स्पॉन्सर्ड पीएचडी साइंसेस के लिए अगर आप ये बात करें तो यहाँ पीएचडी साइंसेस के लिए आपको जो है यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में, और इसके अलावा आपका यहाँ पे इसका आपका खुद का फेलोशिप भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास खुद का फेलोशिप जैसे पास CSIR GRF UGC CRF DBT GRF DST अगर आपके पास है, या अगर आपके पास DST इंस्पायर्ड फेलोशिप है या RJNF या UGC OBC फेलोशिप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खुद का फेलोशिप होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्पॉन्सर्ड PhD में जो है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं तब आपका कोई कनेक्शन हो या कुछ टाइप का आपका फेलोशिप जो है वो इंडस्ट्री से आपको मिल सके, ठीक है। तो ये आप उसके लिए तब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेम यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए और स्पॉन्सर इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे है कि आपका जो नेशनल लेवल का फेलोशिप आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका वो NET JRF हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो MSc होना चाहिए वो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो इसमें में जो है आप अगर इंजीनियरिंग में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी में भी यहाँ पे आपका जो NET JRF होना चाहिए, या इसके बाद अगर अलावा अगर आपके पास जो CSIR GATE JRF की भी जो कंडीशन है अगर आप उसे फुलफिल कर दें तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक लाइक अच्छी लैब से PhD करने के लिए तो आप जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू परसीव PhD फ्रॉम सम ऑफ द रेपुटेड CSIR लैब। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कोई रिलेटेड कोई लाइक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे आपको कितने इनटेक आप देख सकते हैं, कितना ACSI सेंटर्स है, इसके अलावा आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम फी स्ट्रक्चर पे अगर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको जो है फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे रेगुलर सेमेस्टर वाइज अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पीएचडी साइंस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो फुल टाइम जो फीस रहेगा वो आपका 11,000 रहेगा पर सेमेस्टर, ठीक है। तो ये अगर पार्ट टाइम करेंगे तब भी आपका 11,000 रहेगा। पीएचडी इंजीनियरिंग में 11,000, पार्ट टाइम में भी 11,000, फुल टाइम पार्ट टाइम में भी, एमटेक में 29,000 फुल टाइम पार्ट टाइम 29,000। इसके लिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड जो कि आपको इंडस्ट्री से जो भी अगर फेलोशिप आपको दी जाती है तो उसका यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है आपका सेमेस्टर फी रहेगा। इसके बाद मास्टर इन साइंस के भी लिए भी यहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम जो है आपको यहाँ पे जॉब देखने को, लाइक आपको यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का भी आप यहाँ पे अपना जो है देख सकते हैं कि आपको कितना फी जो है वो पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे टेंटेटिव टेक भी आप देख सकते हैं कि किस लाइक कितनी सीटें किस किस लाइक इस ऐसा इंस्टीट्यूट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी एमई एमटेक, यहाँ पे देखिए इंटरनल रेगुलर कितनी सीट्स हैं वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे पीएचडी साइंस में देख सकते हैं, ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में देख सकते हैं, ऐसे पीएचडी इंजीनियरिंग में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे अगर अब एग्जाम्पल की बात करें सीएसआईआर सीसीएमई, तो यहाँ पे रेगुलर जो 21 सीट्स उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है, तो यहाँ पे जो रेगुलर सीट्स हैं सीएसआईआर सीसीएमई में 21 है पीएचडी साइंसेस में, ठीक है। तो इसमें में आप देख सकते हैं कि कौन सा जो सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कितनी जो सीट्स है वो वैकेंट है या इनटेक इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसी के हिसाब से जो है आप अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेवरेट सीएसआई इंस्टीट्यूट्स में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।